हाय गाइज टुडे वी डिस्कस अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इसमें हम देखेंगे पहले क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन हम पिछले स्टेप में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था क्लास का डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट क्लास होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं सोनाओ वी डिस्कस क्लासीिफिकेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस इन विच इस स्टेप रिप्रेजेंट अ कैटेगरी कॉल्ड टेक्सनॉमिक कैटेगरी क्लासीफिकेशन जो है एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को सो इट इज कॉल्ड अ टेक्सनॉमिक कैटेगरी ऑल कैटेगरी टूगेदर कॉन्स्टुंट शुड बी अ टेक्सनॉमिक हाई आर की और ये कैटेगरी मिलकर टेक्सनॉमिक हाई आर की बनाते हैं यूनिट ऑफ क्लासीफिकेशन यूनिट ऑफ क्लासीफिकेशन में हम देखेंगे कैटेगरी रैंक और टैक्सॉन यहाँ पे टैक्सॉन जो है ये सिंगुलर वर्ड है यहीं पे अगर जो टैक्सा होता तो ये प्लूरल हो जाता ग्रुप है ग्रुप रिप्रेजेंट अ कैटेगरी। एंड कैटेगरी डिनोट अ रैंक एंड रैंक एंड टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से देखते हैं कैटेगरी कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को यानी हम पब्लिक ये जो पब्लिक है ये कैटेगरी हो गई और ये कैटेगरी जो है ये डिपेंडेंट है रैंक यानी रैंक एक पोजीशन ले लेते हैं जैसे सीएम पब्लिक शुड बी डिपेंडेंट विथ सीएम एंड सीएम शुड बी डिपेंडेंट विथ हर ऑन और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ये हो गए पीएम की पोजीशन यानी मोदी जी ठीक तो हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये मोदी जी इन पर डिपेंडेंट है रैंक और रैंक पर डिपेंडेंट है पब्लिक ठीक So now you guys understand. If you understand, so now we discuss a taxonomic hierarchy. Now we discuss taxonomic hierarchy: species, genus, family, order, class, phylum, it should be used for uh, animal, and division, it is used for plant, and kingdom. If here use phylum, then he here it is a kingdom Animalia. If division should be a plant, then kingdom should be a planty. So if we uh, go from species to kingdom, the number of similar characters should be decreases, and if we come from kingdom to species, the number of similar character should be a uh, increases. So now we discuss step by step. व्हाट इज स्पेसिस व्हाट इज जीनस व्हाट इज फैमिली व्हाट इज ऑर्डर व्हाट इज क्लास व्हाट इज फाइलम डिवीजन एंड देन किंगडम नाउ गाइज वी डिस्कस स्पेसिस स्पेसिस शुड बी अ स्मॉलेस्ट कैटेगरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इनको हम इनके मॉर्फोलॉजी से ही पता लगा सकते हैं दे आर एबल टू ब्रीड एमोंग देल्फ एंड प्रोड्यूस देअर ओन काइंड वी डिस्कस जीनस जीनस क्या है ग्रुप ऑफ स्पेसिस Which has more character in common? Genera are aggregated of closely related species. Then we discuss family. What is family? Group of related genera. Group of related genera with still less number of similarity as compared to genus and species. Then we discuss family are uh, character then it is a family are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species what then order order care. it include one or more related family which exhibit few similar character what class it include one or more related order then it is a phylum or division phylum is stand for animal and division is stand for plant इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर हम जान चुके हैं पहले ही हेर की टेबल में फॉर प्लांट सुड बी यर डिविजन इज यूज सो नाउ स्पेसिस जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम एंड डिवीजन देन वी डिस्कस किंगडम नाउ गा वी डिस्कस किंगडम इट इज़ अ हाइएस्ट कैटेगरी इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट्स सीयर सेट ऑफ कॉमन कैरेक्टर प्लांट के लिए प्लांट किंगडम और एनिमल के लिए एनिमल किंगडम एन सी आर टी में सारे स्पेसिय जीनेस सबके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उस एग्जाम्पल को हम एक सेपरेट वीडियो में फ्लो चार्ट के द्वारा डिस्कस कर लेंगे फिर उसके बाद हम टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ेंगे सो आई होप यू गैज यू अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल थैंक यू गैज